नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे बीच में हैं कांग्रेस के स्थानीय विधायक करण सिंह दलाल, जिन पर जिम्मेवारी है आज फरीदाबाद लोकसभा सीट के चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के चुनाव प्रचार के लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दलाल साहब, चुनाव प्रचार हो चुका है, कल मतदान की तारीख है, क्या रहेंगे आपका प्रत्याशी का प्रचार? कुछ ढीला ढीला सा है, क्या चुनाव में आप भीड़ तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कांग्रेस का पलवल विधानसभा का जो चुनाव प्रचार है वो समस्त 9 विधानसभाओं में फरीदाबाद लोकसभा के अंदर सबसे प्रभावशाली तरीके से प्रचार पलवल विधानसभा में हुआ है। हम हर गांव के अंदर गए, एक भी गांव हमने नहीं छोड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश की कि जो पार्टी प्रत्याशी भाई अवतार भड़ाना जी हैं उनको भी हम कुछ गांवों में लेकर के गए, और कल पूरे शहर के अंदर कैंप के अंदर हमने पैदल चल करके लोगों से वोट मांगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को धर्म और जाति पर बांटने की साजिश की थी, उस साजिश को हमने पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करके और कांग्रेस के हक में माहौल बनाया है। आपने बात की बीजेपी के लिए जो क्षेत्रवाद में जातिवाद में बांटा है, आपके पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने हथीन में 28 अप्रैल को ये कहा था कि मैंने तो जाटों से कहा है कि सीएम खट्टर तो इनको वहीं जाकर छोड़ दे जहाँ से तू आया है, यानी कि पाकिस्तान से। क्या इस बात से आपकी पार्टी को असर पड़ेगा? एक प्रत्याशी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ मौजूद नहीं था उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये गलत है। जातियों का नाम लेकर के और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय जो नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका स्टेटमेंट था 1984 के दंगों को लेकर जब सवाल किया गया था उनसे किसी पत्रकार ने कहा तो उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, इस 5 साल में मोदी ने क्या किया, ये पित्रोदा ने कहा। क्या ऐसी बयानबाजी से आपके पार्टी के कैंडिडेट्स पर पूरे देश में क्या असर नहीं पड़ता? ये जो निजी तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होता है, और नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी समुदाय या किसी समाज के हितों पर और कुठाराघात करता हो या वो अपमानित महसूस करते हों, तो नेताओं को बचना चाहिए ऐसा बयान देने से। जो नेता बयानबाजी करते हैं आप जैसे नेताओं पर उसका असर पड़ता होगा, लोग आपसे सवाल करते होंगे। हाँ, जाहिराना तौर पर असर पार्टी के ऊपर ही आखिर में आता है, और इसलिए नेताओं को ऐसे विवादपस्त बयानों से बचना चाहिए। कल टीवी में एक बहुत बड़ी डिबेट आ रही थी, एक बार फिर से ये मामला चला था, पहले भी सुर्खियों में रहा था ये मामला। ललित नागर के भाई महेश नागर के स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने कबूल किया कि हाँ रॉबर्ट वाड्रा को हमने बचाया है, हमने उनको हमारी पहुंच भी है वहां तक। ये कांड अब अचानक मतदान से 2 दिन पहले उछलने से क्या एक बार कांग्रेस पर असर पड़ेगा क्या? परिवार में जो आज का जमाना है उसमें सबके अपने अपने व्यवसाय हैं, अपने अपने काम हैं। ललित नागर के भाई ने अगर वाड्रा साहब को जमीन दिलवाई भी है तो इसमें ललित नागर का तो कोई दोष है नहीं, और अगर महेश नागर ने कोई गलत काम किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा कई अदालतों में लंबित है। अदालत अपना काम करेगी, न्याय करेगी, और जो भी अदालत फैसला करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। अवतार भड़ाना से पहले टिकट जो थी चर्चा का टिकट मिल गई थी, फाइनल हो गई थी ललित नागर के लिए, उससे पहले सोशल मीडिया में आपके तरफ भी रही थी टिकट जो आप कहते भी हैं। ललित नागर की टिकट कटने का कारण क्या ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने मदद की थी? हाँ, जो लोगों में चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि कहीं जो वाड्रा साहब को ललित नागर के भाई की ज़मीनों में जो उनका कोई भी अगर लेना देना है और ये कल को पार्टी की जो छवि है उसको प्रभावित ना करे, इसलिए शायद वो टिकट बदला गया। कल रोहतक में पीएम मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि रोहतक की रेवड़ी बहुत अच्छी होती है, मेरे को स्वादिष्ट लगती थी, मैं गुजरात चला गया तो मेरे साथ ही भेजते थे। उन्होंने कहा कि
सिर्फ जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जमीनों की रेवड़िया की तरफ बांटते थे, यानी जमीनों की दलाली करते थे। स्पष्ट आरोप लगाया उन्होंने कि अपने सीएम रहते उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 10 साल हरियाणा में शासन किया, उस शासन के दौरान हर चेहरे के ऊपर मुस्कान हुआ करती थी, हर हाथ के पास काम हुआ करता था, हर जेब में पैसा हुआ करता था। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कई मुकदमे कायम किए हैं जो अदालतों में चले हुए हैं, तो अदालत वहाँ पर न्याय करेगी। रहा सवाल रेवड़िया बांटने का, तो आज जो मोदी जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तमाम सरकारी कार्यालयों में लूट मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी औकात नहीं कि वो ये खड़े होकर के जनता के बचाव में आए, और हर जिला मुख्यालय पर बहुत बड़े बड़े बीजेपी के जो आलीशान जो दफ्तर बन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो दफ्तर बन रहे हैं ये पैसा कहाँ से आया, ये सारा भ्रष्टाचार का पैसा है। आज अगर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है तो मोदी की सरकार में फैलाया जा रहा है, खट्टर की सरकार में फैलाया जा रहा है। यानी कि आप बता कहना चाह रहे हैं कि पूर्व सीएम जो हुड्डा साहब थे उनके टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं था, मनोहर की सरकार में भ्रष्टाचार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, लेकिन कांग्रेस के शासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में। वो तो बीजेपी सरकार तो दावा करती है कि पहले जितना भ्रष्टाचार था अब नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां मिल रही हैं, कोई रिश्वत नहीं ली जा रही। नौकरियों का 16,000 नौकरियों का जो जनाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में निकाला, वो पूरे हरियाणा के लोगों ने देखा है किस तरीके से एक जिले के बच्चे, लड़के, लड़कियां, उनके माँ बाप 300 किलोमीटर दूर यमुनानगर जगाधरी में जाकर के उन्होंने वहाँ इम्तिहान दिए, वहाँ के बच्चों ने यहाँ करके दिए। तो इस सरकार की सबसे बड़ी नालायकी थी, वरना यहाँ के यहाँ ही बच्चों के इम्तिहान कराते। और जो 16,000 नौकरियाँ डी ग्रुप की ये कहते हैं हमने योग्यता के आधार पर दी हैं, तो माली के पदों पर वकीलों की नियुक्ति हुई है, खाना बनाने वाले पदों पर वकीलों की नियुक्ति है, MBA और BA लड़के जिस पोस्ट के हकदार थे उस पोस्ट पर उनको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन फॉर्म तो उन्होंने खुद ही भरे थे ना। ये सरकार का काम होता है, सरकार को ये देखना चाहिए कि किस पद के लायक कौन व्यक्ति है, क्योंकि खाली नौकरियों को भरना ही मकसद नहीं होता, पदों पर लोगों को नियुक्ति दे करके फिर उनसे काम लेना होता है। पदों को अगर भर दिया जाए और काम वो करते नहीं है तो पद भरने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इस सरकार में जो अनुभवता है वो बहुत कम है, इनके जहन में केवल लोगों को जाति और धर्म और नफरत फैलाने की ये राजनीति जानते हैं, विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। और उसकी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं, 4.5 साल से ये जो हमारे शहर के अंदर जो पुल बन रहा है पूरा बन के नहीं दे रहा, अलीगढ़ मार्ग को आज तक जोड़ा नहीं गया, ये जो स्टेडियम है यहाँ इनका नकारात्मक राजनीति आप देखिए कि एक ही जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं, दशहरा यहीं मनता है, 26 जनवरी 15 अगस्त यहाँ मनता है, इन अकल के अंधों को दिखाई नहीं देता। यहाँ इंडोर स्टेडियम बनाने लगे हुए हैं, जबकि इंडोर स्टेडियम यहाँ पीछे भी बन सकता है, कहीं और भी बन सकता है। तो इनके अंदर जो एक इलाके को आगे बढ़ाने का, सुख सुविधाएं लोगों को देने का जो एक प्रयास होना चाहिए, वो ना होकर के जहर फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जानती है। चलिए, इसके लिए तो आप बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, 12 मई का जो चुनाव है, कल का चुनाव है, इसके बाद आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप मुहिम भी चला सकते हैं। अभी तक के प्रचार में हमने जो पाया है, लोग ये तो कह देते हैं कि किशन पाल गुर्जर कैंडिडेट सही नहीं है, इन्होंने हम इनको वोट देना नहीं चाहते, लेकिन वोट मोदी को देंगे। आपके कैंडिडेट के लिए कोई ये नहीं कहता कि अब तातिक भड़ाना को हम वोट देंगे, ये कहते हैं? देखिए, यहाँ अब पलवल विधानसभा में ये तो लोगों का एक भाव होता है, कई जगह कहते हैं हम तो करण तुझे देंगे वोट, कई जगह भाई अवतार सिंह वड़ाना के लिए कहते हैं, कोई कांग्रेस के लिए कहता है, ये तो लोगों का अपना एक कहने का एक तरीका हुआ करता है। सवाल लेकिन ये है, हमारी जीत सबसे बड़ी इस बात में है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है उसे गाँवों में घुसने नहीं दिया जा रहा, और आज उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांग सके, अपनी विफलताओं को ये खुद ने इन्होंने स्वीकार किया है और अब वो केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। खट्टर साहब कहीं जाते हैं,
100-200 आदमी होते हैं, वहाँ भी किराए के लोगों को लेकर के ले जाया जाता है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पहली दफा उन्हें हरियाणा के अंदर मायूसता दिखाई देती है, क्योंकि रोहतक हो या कुरुक्षेत्र, जो प्रधानमंत्री के सम्मान में जो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, अब मोदी जी का जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। और चाहे रोहतक हो या कुरुक्षेत्र हो, मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं भीड़ नहीं होती। 10 सीटों में से आपकी पार्टी कितनी सीटें ले पाएगी? मैं ये नहीं कह सकता कितनी सीटें ले पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी इन्होंने पिछले 5 साल में पैदा की है, जो लोगों को मायूस किया है, कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल रहा है, भ्रष्टाचार का जो बुरा हाल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अपनी जेबें भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो लोग इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। ये अब पता चलेगा नतीजा आने के बाद कि कितना सबक सिखाते हैं। 2014 के चुनाव में आपके पास एक ही सीट थी रोहतक की, जितिन दौड़ा की। इस बार के चुनाव में आपने ये बताया कि ये तो नहीं कह सकते कितनी आएंगी। मेरा ये सवाल है, एक सीट है, या तो ये एक से बढ़ेंगी या एक भी जाएगी? बिल्कुल, चुनाव के अंदर ये कह देना कि ये होगा वो होगा, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव लोग लड़ते हैं और हर लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। अब पूरे हरियाणा में ये बात तो स्पष्ट नजर आती है कि जहां पिछले चुनाव में मोदी जी की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सबने, सभी बिरादरी, सभी जाति, सभी वर्ग, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, वो नजारा अब कहीं भी नजर नहीं आता है। बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि पिछली बार जो लहर थी, इस बार मोदी की सुनामी है, आप इसके विपरीत कह रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता औकात से बढ़कर के बात कर रहे हैं, इस लोकसभा के चुनाव के बाद ये छुपते हुए नजर आएंगे, सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे बीच में विधायक करण सिंह दलाल, जिन्होंने बताया है कि सीटों के, तो इन्होंने खुलासा नहीं किया कि नहीं सीटें आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार मोदी की लहर नहीं है। 2014 में जो मोदी के लिए साथ जुड़े थे, आज किनारा कर चुके हैं।